बैक टू माई चैनल यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे अम्मी कुकिंग होम में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दो अलग तरीकों से पनीर पकौड़ा रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच बेसन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है और गोलकी पाउडर दोनों मैंने ऐड किया है, दोनों साथ में कूटा हुआ था। तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया है और यहाँ पर स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड किया है और यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला मैंने ऐड किया है और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हमें ना ही ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा थिक है तो अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, आपको इस तरीके से मिक्स कर लेना है और इस तरीके से आपको इतना ही गाढ़ा आपको रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। और यहाँ पर मैंने पोस्ता दाना ले लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और हम चलते हैं पनीर को कट कर लेते हैं। तो दो अलग तरीकों से हम बना रहे हैं तो दो अलग तरीकों से हम पनीर को कट करेंगे। तो ये देखिए, एक तरफ मैंने इस तरीके से कट किया है और एक मैंने दूसरा जो है इस तरीके से कट किया है। आप लोग इस तरीके से कट करके ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया बन के तैयार होता है। तो इस पे पहले हम सारे मसाले मिला देंगे। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है, थोड़ा सा यहाँ पर चाट मसाला मैंने ऐड किया है और थोड़ा सा यहाँ पर गोलकी जीरा पाउडर मैंने ऐड किया है और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने मिर्च पाउडर ऐड किया है। तो आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से सारे मसाले को मिलाकर और इसे पलट लेना है। और इसके पलटने के बाद हमें फिर से इसके ऊपर से मसाले डाल देने हैं, यही सारे मसाले जो मैंने अभी डाला है। ये देखिए, मैंने डाल दिया है और कढ़ाई गर्म होने के लिए मैंने दे दिया, उसमें मैंने सरसों ही यूज़ किया है। आप जो कुकिंग ऑयल में यूज़ करते हैं आप वो डाल सकते हैं। इस तरीके से बेसन में डुबाकर और इस तरीके से पोस्ता दाना के ऊपर लगाकर और इसे डाल देना है। उसी प्रोसेस से सारे को डाल दीजिए तो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी दिख रही है आप लोग को। आप लोग ने कभी बनाकर नहीं खाया होगा, ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए एक रेसिपी है जो हमारा बनके तैयार है, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरा प्रोसेस में। तो ये देखिए, मैंने सारे बेसन में इसे लपेट लेना है इस तरीके से। इसमें हम पोस्ता दाना यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ बेसन डालकर मिलाकर और इसे छान लेंगे। तो तेल तो हमारा पहले से ही गर्म था और उसी में हम सारे को डाल देंगे। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, ब्राउन हो चुका था एक तरफ, तो अब हम इसे अच्छी तरीके से पलट लिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से ब्राउन करके पका लेना है ताकि ये क्रिस्पी बने। तो ये ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा ब्राउन मत कीजिएगा नहीं तो जल जाएगा। तो मेरी रेसिपी बनके तैयार है। दोनों रेसिपी आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।